मैं सभी सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल आफिया केमिस्ट्री पॉइंट में। आज आप लोग को जो है हम तेल एवं वसा में अंतर को क्या करेंगे इस वीडियो में बताएंगे। आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है तभी आप तेल और वसा में अंतर स्पष्ट कर पाओगे। ठीक है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए क्या, इस तरह से दो को कॉलम बना लेना, एक साइड तेल दूसरे साइड वसा, इन दोनों में क्या करोगे अंतर स्पष्ट करोगे। तो आप सबको मालूम है कि तेल जो है लिखते हैं पहला अंतर तेल चिपचिपे, तेल जो है चिपचिपे कैसा पदार्थ है, तरल पदार्थ है। तो यहां पे हम वही बात लिखेंगे तेल चिपचिपे तरल पदार्थ है या है, ठीक है, जो पौधों के फलों एवं बीजों में पाए जाते हैं। इस प्रकार से आप क्या करोगे, तेल में लिखोगे, क्या लिखोगे, तेल चिपचिपे तरल पदार्थ है जो पौधों के फलों एवं बीजों में पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप तेल में लिख दोगे। वसा में आप क्या लिखोगे, लिखोगे वसा ऐसा तेलिए, ये भी है तेलिए पदार्थ, वसा ऐसा तेलिए पदार्थ है जो जंतुओं की त्वचा के नीचे अंगों के चारों ओर पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप वसा में लिखोगे वसा जो है ऐसा तेलीय पदार्थ है जो जंतुओं की त्वचा के नीचे अंगों के चारों ओर पाया जाता है। ये पहला अंतर हुआ तेल और वसा में, ये पहला अंतर। दूसरा अंतर आप लोग को बतला रहे हैं, तेल मुख्यतः असंतृप्त लिखे हैं, वसीय अम्लों से निर्मित होते हैं। तो इस प्रकार से आप लिखोगे तेल जो है मुख्यतः असंतृप्त वसीय अम्लों लिखना है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, वसीय अम्लों से निर्मित होते हैं। वहीं यहाँ पे लिखोगे आप वसा जो है मुख्यतः संतृप्त वसीय अम्लों से निर्मित होते हैं। ये आपका दूसरा अंतर है, तेल जो है मुख्यतः असंतृप्त वसीय अम्लों से निर्मित होते हैं, वसा मुख्यतः संतृप्त वसीय अम्लों से निर्मित होते हैं। ये संतृप्त वसीय अम्लों से, ये आपका असंतृप्त वसीय अम्लों से, कौन, तेल असंतृप्त वसीय अम्लों से निर्मित होते हैं, वहीं आपका वसा जो है संतृप्त वसीय अम्लों से निर्मित होते हैं। दूसरा पॉइंट है, तीसरा अंतर लिखोगे आप तेल सामान्य लिखे यहाँ पे, तेल सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं, तेल सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं। आप सबको मालूम है, आप सबको ही जानते हैं तेल सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं। और वहीं जो है आपका वसाएं सामान्य ताप पर, सबको ही जानते हो, ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर आपका है तेलों का मुख्य स्रोत वनस्पतियां हैं। ठीक है, तेलों का जो है मुख्य स्रोत वनस्पतियां हैं। अब यहां लिखोगे वसाओं का मुख्य स्रोत जंतु है, मुख्य स्रोत क्या है, जंतु है। ये चौथा आप क्या करोगे, जंतु हैं, यानी वसाओं का मुख्य स्रोत जो है जंतु हैं और तेलों का मुख्य स्रोत वनस्पतियां हैं। तो इस प्रकार से आप चौथा अंतर लिख दोगे। पांचवा अंतर आप लिखोगे तेलों का उदाहरण आप लोग को बताते हैं। जैतून का तेल आप लोग सुने होने, मूंगफली का तेल, ये भी सुने हो, मूंगफली
सोयाबीन, सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों, आदि का तेल, ये सारे तेल का क्या हो गया, उदाहरण हो गया। जैतून का तेल, मूंगफली तेल, तिल तेल, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, सरसों तेल। वसा में आप लिखोगे उदाहरण में, वसाओं के उदाहरण, वसाओं के उदाहरण घी, मक्खन, मलाई, मांस, चर्बी इत्यादि, ये सारे आपके इत्यादि, ये सारे आपके हो गए वसाओं के उदाहरण। वसाओं के उदाहरण में आप घी लिख दो, मक्खन लिख दो, मलाई लिख दो, मांस लिख दो, चर्बी लिख दो इत्यादि। तो इस तरह से आप क्या करोगे, तेल और वसा में अंतर स्पष्ट करोगे। तेल और वसा के बारे में आप सबको मालूम है कि तेल चिपचिपे तरल पदार्थ है जो पौधों के फलों एवं बीजों में पाए जाते हैं। वसा जो है ऐसी तेलीय पदार्थ है जो जंतुओं की त्वचा के नीचे अंगों के चारों ओर पाया जाता है। तेल जो है मुख्यतः संतृप्त असंतृप्त वसीय अम्लों से निर्मित होते हैं। वसा मुख्यतः संतृप्त वसीय अम्लों से निर्मित होते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, तेल और वसा में अंतर स्पष्ट कर दोगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं से समाप्त करते हैं। आज का क्लास आप लोग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो बाबू चैनल पर नए हैं उन बाबू से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।